अच्छा खुद बोल रही है कि हम भी अश्लील है, हमारे घर अश्लील लोग ही आए हैं और हम भी अश्लील है। नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है आप लोग को एक और वीडियो में, तोड़ तोड़ चीर फाड़ वीडियो में। तो छंछर कुछ बोलना चाहेंगी? चाची लोग आज मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इनका बहुत सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब पर लगी। अरे बेटा लाइक सब्सक्राइब ना चाहिए हो। देखिए फ्रेंड, मैं इसलिए लड़ रही हूँ, आपको पता है बहुत लोग कह रहे हैं कि आप क्यों कूद रही हैं बीच में, तो मैं इसलिए कूद रही हूँ बीच में कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, उनके उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये गंदगी कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूब पे पूरे हर एक जगह फैल चुकी है, और इस गंदगी को हमको भगाना है, इसको दूर करना है, ताकि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल हो। बेटा सुभाग्य भैया से कॉफ़ होगा, बाद में पढ़िए, जा भाग जा, हमके बोले जा। तो फ्रेंड बस हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, नहीं ऐसे जाओ तुम, टीवी भी नहीं देखना, जाओ पढ़ाई करो, चलो हटो। फ्रेंड बस आप लोगों से एक ही बात कहना है, अगर आपको हमारा सपोर्ट करना है, हमारा साथ देना है, तो प्लीज साथ दीजिए। और हाँ, जो गलत वलत कमेंट एक आध लोग कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि एक आईडी से आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, 20-20 कमेंट आ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वही भेड़ बकरियां हैं और कोई नहीं है। और आप लोगों से हम कहना चाहते हैं दोस्तों, देखिए मुझे पता था कि वो सरदार है, अरे उसका भी एक सरदार है, पता है आप लोगों को, हर जितना अश्लील में नया में, देखिए इस समय बहुत तुच्छे लोग वायरल हो रहे हैं। तुच्छे लोग कैसे वायरल हो रहे हैं? अपने टैलेंट से नहीं वायरल हो रहे हैं, ऐसा ना आईटिया को मर्दूनो बैलून साला धुक धुक बग देने को भीग देता है। फ्रेंड हम अपना मुंह नहीं खराब करना चाहते, आप खुद समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते, क्या बगद बीग दे रहा है। हमारे दोनों बैलून साला दुख दुख करे, एक लड़की है जो इस पे डांस की है, और उसका ये जो बैलून है एक बगद ब्लाउज से बाहर आ जा रहा है, जो देख करके शर्म आ जाएगा आप लोगों को। तो हम बताना चाहते हैं, एक है सरदारों का सरदार सरगना जिसको कहा जाता है, एक बहुत इसकी टोली है, बहुत बड़ी टोली है, सरगना है, जो सारे तुच्छे लोगों को बुला बुला के मन बढ़ावा देता है, अपने हर एक चीज में काम देता है, हर एक काम करता है। मैं चाहती हूँ, आ रहा है वो भी, आ रहा है, मैं चाहती हूँ खुल के आए तब नाम लूंगी, अभी नाम नहीं लूंगी। वो भी खुल के आए लड़े मुझसे तब मैं नाम लूंगी उसका, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर मैं नाम ले लूंगी तो। देखिए इसमें आप लोग खुद देख रहे हैं, मैं जिसका नाम नहीं ले रही हूँ, जिसका चर्चा नहीं ले रही हूँ, जिसका बात नहीं कर रही, वो भी इसमें हाथ धोने आ जा रहे हैं। क्यों आ रहे हैं हम बताएं, क्यों आ रहे हैं? कि कहीं ना कहीं भाभी जी मेरा भी नाम ले लेंगी, मुझे भी रेल देंगी, मैं भी वायरल हो जाऊंगा। गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए हमारा लड़ाई है अश्लीलता को भगाना है, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम बस अश्लील मुक्त यूट्यूब करना चाहते हैं। और एक चीज आप लोगों से बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि हम भी कमजोर हैं, अकेले हैं, इतना भी कमजोर नहीं है, अकेले हैं, थोड़ा डर लग रहा है, अपने लिए नहीं लग रहा है, अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है कि हमें कुछ कहीं हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये तो बात सही है, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है बिना माँ बाप के जिंदगी जो होती है बिल्कुल नर्क बन जाती है। और हमने अपने बच्चों को, चाहे हम यूट्यूब पर थे हैं, और चाहे हम इसके पहले जब दुकान चलाते थे, जब हम बिजनेस करते थे, चाहे हम जो भी हाउसवाइफ का काम करते थे, हम मतलब जब थे तब भी हमने अपने बच्चों को 1 रुपए के लिए कभी तरसने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन चल रहा था, हमने अपने बच्चों के लिए चाय पकौड़ी का दुकान खोला था, अपने बच्चों के लिए मैं इतना मेहनत करती थी दोस्तों कि मेरा बच्चा जो है भविष्य में कभी रोए ना। हमारी चंचल जब 1 रुपया हमसे मांगी लॉकडाउन के 15वें दिन, और हमारे पास 1 रुपया नहीं था, हम रोने लगे, हमारे हस्बैंड भी रोने लगे, तब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखिए एक बाप हार मान सकता है, लेकिन एक माँ हार नहीं मान सकती है। मैंने हार नहीं माना और आज मैं सक्सेस हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो कि देखिए इसमें हम, देखिए कोई भी एक माँ होती है वो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जाए, कभी नहीं चाहेगी। लेकिन यहाँ जो है बहुत लोग अपने बच्चों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। दोस्तों अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ेंगे, आप ही लोग बताइए। आप लोग आ रहे हैं, हमें पता है आप लोग आ रहे हैं, आप लोग भी डर रहे हैं, देखिए जिस चीज के लिए। और हाँ
जो मैंने बोला था कि जो भी जाएंगे उसके वहाँ अश्लील जाएंगे, ये हमने नहीं बोला था। हमने ये बोला था अश्लील का सपोर्ट करते हैं और अश्लील लोग ही जाएंगे। देखिए, लेकिन जो लोग और अच्छे लोग थे वो तमाशा देखने गए थे, और बाकी हमारे मीडिया भाई गए थे जो सबका छुआ सके। वो मीडिया भाई अभी तक ये सोच रहे थे, एक कल हमारे पास मीडिया वाले आए थे, वो सोच रहे थे कि ये कंट्रोवर्सी चल रहा है और भाभी अभी झगड़ा कर रही है, उसके बॉडी में जरूर जाएंगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ये एक मुद्दा है। जो देखिए, कभी कुछ भी हो जाए, ये गोरखपुरिया कट सकती है, गोरखपुरिया भौजी कट सकती है, मर सकती है, लेकिन झुक नहीं सकती है। अश्लील के सामने कभी ऐसा नहीं होगा। आज ये हमारी जुबानी है, आप लोग सोच लीजिए। और एक चीज और बताते हैं, हम सबको नहीं बोले थे, और जो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, जो बोल रहे हैं कि अश्लील का, हम लोग अश्लीलता करने आए हैं, तो तुम करो ना अश्लीलता, हम भी तुम्हारा पोले खोलने बैठे हैं, हमको भी एक एक सबूत मिल रहा है तुम्हारे खिलाफ, हर एक चीज मिल रहा है। तुम खुद अपने मुंह से बोल रही हो कि हम अश्लील के सपोर्ट करने आए हैं, अश्लील के पास आए हैं, और क्या कर सकते हैं। और जो उसके जो एक आध को भेड़ बकरी है अगल बगल में, वो खुद बना रही है, वो खुद गलती से अपने मुंह से मीडिया वाले के सामने बोल दिया है कि हम अश्लील बनाते हैं, लड़की के साथ बनाते हैं, लड़के के साथ नहीं। क्या लड़की के साथ बनाओगी तो अश्लील बनाओगी? जब लड़के के साथ बनाओगी तभी पता चलेगा कि ये अश्लील है। लड़की के साथ उसका अजीब अजीब हरकत करके बनाओगी तो अश्लील नहीं है, वो भी अश्लील है। जितने लोग अश्लील का सपोर्ट करते हैं, हमको हमारा लड़ाई उनसे जो है कि मतलब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जी दोस्तों, हम मानते हैं कि हमारे घर अश्लील लोग ही आ रहे हैं। वो खुद अपने मुंह से फुहरी बोली, आपको हम सच्चाई सबूत देना चाहते हैं, और सबूत अभी देखिए गोली आ रहा है। खुद बोल रही है कि हम भी अश्लील है, हमारे घर अश्लील लोग ही आए हैं और हम भी अश्लील हैं। आपको कितना सबूत दें दोस्तों, क्या करें हम, बताइए, मर जाएं अब आप लोग, बताइए हम मर जाएं, गला कटवा दें अपना, कैसे आप लोगों को सबूत दें, कैसे आप लोग हमारे साथ होंगे इस तुच्छे लोगों को हटाने के लिए, इस तुच्छे लोगों को बाइक। दोस्तों, बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए कि हम ये गंदगी को जड़ से खत्म कर सके। और जो अगर कह रहे हैं कि हमारे हमारे भी चैनल पे अश्लील वीडियो है, तो हमको वीडियो दिखाएं, ठीक है, और वीडियो अगर दिखा दिए तो ठीक है, नहीं दिखाए तो बहुत बेकार हो गई।